हेलो फ्रेंड्स मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों आज का टॉपिक है नंबर कॉन्वर्सन तो आज का क्वेश्चन है ऑक्टल टू डिसमेल कॉन्वर्सन यानी ऑक्टल नंबर को डिसमेल नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बात करते हैं फॉर ऑक्टल इंटीजर नंबर यानी ऑक्टल इंटीजर नंबर को डिसमेल में कैसे कन्वर्ट करें तो रूल्स है मल्टीप्लाइंग द ऑक्टल इंटीजर्स बाई देर पॉइसनल वैल्यू यानी जो ऑक्टल इंटीजर्स नंबर होंगे उसको उसकी पॉइसनल वैल्यू के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा जो पॉइसनल वैल्यू है वो है एट टू दी बार जीरो एट टू दी बार वन एट टू दी बार टू एट टू दी बार थ्री ऐसे ही इट इज सी गिव्स द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ द ऑक्टल नंबर यानी उसके बाद जो नंबर मिलेगा वो डेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर बराबर होंगे तो एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ एग्जाम्पल वन 257 बेस 8 यानी ऑक्टल नंबर को डिसमेल नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो रूस की तरह जो पॉइसनल वैल्यू है वो है एट टू दी बार जीरो एट टू दी बार वन एट टू दी बार टू ऐसे ही राइट से लेफ्ट तक उसकी पॉइसनल वैल्यू होंगे और जो ऑक्टल नंबर है वो भी राइट से लेफ्ट तक 257 लिखा जाएगा तो उसके बाद जो ऑक्टल नंबर है और वो पॉइसनल वैल्यू के साथ मल्टीपुल करना पड़ेगा तो इक्वल टू टू इंटू एट टू दी बार टू प्लस फाइव इंटू एट टू दि बार वन प्लस सेवेन इंटू एट टू दि बार जीरो इक्वल्स टू टू इंटू टू दि बार टू मतलब सिक्सटी फोर प्लस फाइव इंटू एट टू दि बार वन मतलब एट प्लस सेवन इंटू एट टू दि बार मतलब वन इक्वल्स टू वन हंड्रेड ट्वेंटी एट प्लस फोर्टी प्लस सेवन इक्वल्स टू वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ये होता है डेसिमल नंबर तो इसी तरह ही ऑक्टल नंबर को डेसीमेल नंबर पर कन्वर्ट कर सकते हो तो दे आर फोर टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन को इक्वल्स टू वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव नंबर ये होता है आंसर तो मैं और एक एग्जाम्पल एक दिखाती हूँ एग्जाम्पल टू वन हंड्रेड थर्टी बेस एट यानी ऑक्टल नंबर को डेसीमल नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वन हंड्रेड थर्टी को लिख देते हूँ वन इंटू एट टू दी बार टू प्लस थ्री इंटू एट टू दी वन प्लस जीरो इंटू एट टू जीरो ठीक इसी रूल्स की तरह आप कैलकुलेशन करते हैं वन इंटू एट टू दी टू मतलब सिक्सटी फोर प्लस थ्री इंटू एट टू दी वन मतलब एट प्लस जीरो इंटू एट टू दी जीरो मतलब वन तो इक्वल टू सिक्सटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर प्लस जीरो इक्वल टू एट्टी एट ये होता है डेसिमल नंबर दे आर फोर वन हंड्रेड थर्टी बेस एट यानी ऑक्टल नंबर अब हो गया है एट्टी एट नंबर तो इसी तरह इंटीजर नंबर को ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो अब मैं बात करती हूँ फॉर ऑक्टल फ्रैक्शंस यानी ऑक्टल फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर पर कैसे कन्वर्ट करें तो रूल्स है मल्टीप्लाई द नंबर्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बाय देयर पॉइसनल वैल्यू यानी डेसिमल पॉइंट के राइट में जो नंबर होंगे वो नंबर और उसकी पॉइसनल वैल्यू के साथ मल्टीफुल करना पड़ेगा उस जो पॉइसनल वैल्यू होंगे वो है एट टू दी बार माइनस वन एट टू दी बार माइनस टू एट टू दी बार माइनस थ्री ऐसे ही एट इज सी एंड एट द प्रोडक्ट टू गेट द डेसिमल नंबर इक्वल टू द ऑक्टल नंबर और उस प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो डेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर के बराबर होंगे तो एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ एग्जाम्पल वन जीरो पॉइंट जीरो फोर बेस एट यानी फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर को फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो रूल्स की तरह पॉइंट की बाद में जो पॉइसनल वैल्यू है वो होता है ए टू दी बार माइनस वन ए टू दी बार माइनस टू ए टू दी बार माइनस थ्री ऐसे ही होता है पॉइसनल वैल्यू और पॉइंट की बाद भी क्वेश्चन को भी लिख देने चाहिए यानी जी पॉइंट जीरो फोर तो पॉइंट जीरो फोर लिख देनी चाहिए और ये होता है ऑक्टल नंबर तो इक्वल्स टू उसके बाद जो ऑक्टल नंबर है और उसके फॉर्शनल वैल्यू के साथ मल्टीपुल करना पड़ेगा तो जीरो इंटू एट टू दी माइनस वन प्लस फोर इंटू एट टू दी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो इंटू एट टू दी माइनस वन मतलब वन बाई एट प्लस फोर इंटू एट टू दी माइनस टू मतलब वन बाई सिक्सटी फोर इक्वल टू जीरो प्लस फोर सिक्सटी फोर करने पर वन बाई सिक्सटीन तो इक्वल्स टू वन बाई सिक्सटीन मतलब जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव बेस टेन ये होता है फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर तो दे आर फोर जीरो पॉइंट जीरो फोर ऑक्टल नंबर अब हो गया है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव नंबर तो इस तरह भी आप फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर को फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट कर सकते हो और एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ एग्जाम्पल टू जीरो पॉइंट टू फाइव बेस एट को डिसमेल नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जीरो पॉइंट टू फाइव ऑक्टा नंबर तो पहले पॉइंट के बाद जो नंबर रहेगा उसके उसकी पॉजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीपुल करना पड़ेगा तो टू इंटू एट टू दी बार माइनस वन और प्लस फाइव इंटू एट टू दी बार माइनस टू तो इक्व टू टू इंटू एट टू दी बार माइनस वन मतलब वन बाई एट प्लस फाइव इंटू एट टू दी बार माइनस टू मतलब वन बाई सिक्सटी फोर इक्व टू कैलकुलेशन करने के बाद वन बाई फोर प्लस फाइव बाई सिक्सटी फ़ोर तो इक्वल्स टू वन बाई फोर मतलब जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस फाइव बाई सिक्सटी फोर मतलब जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट तो इसे ऐड करने के बाद होता है इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री टू एट बेस्ट टेन ये होता है डेसिमल नंबर तो दे आर फोर जीरो पॉइंट टू फाइव नंबर अब हो गया है जीरो पॉइंट थ्री टू एट डेसीमल नंबर तो ये होता है आंसर तो इसी तरह से ही नंबर को डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट कर सकते हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप ऑक्टल नंबर क्या है जाना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना और डिसमेल नंबर क्या है जाना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना